जिमीदार ने कणकर की देखो अखबार पढ़िया होने वट्सअप से आ रहा है पिछले लंबे समय तो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ धालीवाल साहब के सहयोग न खेतीबाड़ी महकमे वालों नवी पॉलिसी खेतीबाड़ी बारे किसानों बारे किसानी बारे बनाने की योजना चल रही है। उन्होंने बड़े खुले सुभा के नाल सारे पंजाब सूबे मारां दे किसानां दे आड़तियां दे जिहड़े भी खेतीबाड़ी जुड़े हुए हैं उन्हें विचार पुछे हैं राय ली है कि असी कोई ऐसी सोहनी पॉलिसी तैयार करिए जिहड़ी कि अमली जामा पहना के किसानी का असी वध तों वध हैल्प कर सकीए मदद कर सकीए क्योंकि साडा पंजाब खेती प्रधान सूबा हिंदुस्तान साडा खेती प्रधान देश है और साडी बहुत सारी आबादी पिंडां च वसदी है। ये बड़ा अच्छा कदम है मान साहब का सीएम साहब का कि उन्होंने किसानी बारे सोचा है पर खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के एक बड़े माहर डॉक्टर सुखपाल सिंह जी ने चेयरमैन बनाया और मैंबर बनाए कई जेडे कि स्टडी कर रहे हैं सारे पंजाब विचार लैके और जल्दी सारे गल्लां कट्ठियां करके उस पर बहस करके जिन चीज़ों को वाकई अगे लैके प्रैक्टिकली अपनाया जा सकता है वो पॉलिसी अगे आएगी। पर मैं कहना चाहना कि गागर में सागर वाली गल है कि जिन्हां मर्जियां पॉलिसियां असीं बनाई जाइए पर जदों तक पंजाब दे हिंदुस्तान दे किसान नूं जिहड़ियां दूसरियां फसलां जिहड़ा फसली चक्कर साडा बणिया झोने दा कणक दा उस तों बाहर कढ़ना जरूरी है क्योंकि झोने वास्ते जिन्ना पानी लगता है सारे धरती दा पानी खाली हो गया बुरा हाल है बांके दिहाड़े हैं किसान बेचारा की करे उस नूं दो फसलों का मा जो है रेट ठीक मिल जाता है। मैं इस भी करके उम्मीद है जे साडे देश दे आगू चाहे मोदी साहब चाहे मान साहब चाहे होर पार्टियां दे आगू सचमुच चाहते हैं कि असी किसानों की इमदाद करिए सही रेट दवाइए फसल चक्कर जो कढ़ीए जो साडे तेल दे बीज हैं सरों है राया है गोभी सरों है मूंगफली है या थोड़ा सब्जियां है हॉर्टीकल्चर है बाग है या साड़ा होर सिस्टम है का सारा उन्होंने अगे लिया के एम एस पी दईए मक्की है। एम एस पी बिना कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। सरकार ने बहुत बार कहा हूँ भी मैं लांबा मिले मीटिंग जो हुई है सरकार ने जो सू सरों के तेल का कहा कि शायद 75 सौ रुपया मिले 45 सौ रुपया किसान का दिल टुट जाता है। किसान अडानी अंबानी तो है नहीं बीमार खा जूगा चल जूगा वो तो बेचारा जे 10 हज़ार किले का भी नुकसान 5 हज़ार का हो गया वह तो घर बैठ जूगा। इस करके मान साहब मोदी साहब मैं अपील कराँगा खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी को कराँगा कि कोई ऐसी योजना बनाओ चाहे इतने असी प्लांट लगाइए व्डे व्डे लिया के जो होंने थोड़े की कहने उसू जी जिमें सब्जियां दा फ्रूट दा प्रोसैसिंग प्लांट उन्होंने लिया के अगे असी करके दे सकी कच्चा सीधा खरीद के वो सोचने बाद सानू बहुत रेवोल्यूशनरी पॉलिसी लानी पड़ेगी नहीं तो अज किसान दा बहुत बुरा हाल है और पिछलियां 3-4 फसलां लंघ गईआं। किसानां ने ये गल दसी है कि सानू असी फसली चक्कर निकलने तैयार हाँ पर जो सरकार साडा अनाउंस कर दी एम एस पी नरमे का अपना मक्की का तेल के बीजों का सब दी नहीं है असी मायूस हो जाने फिर सू मुड़ के जाना पैंदा। गन्ना गन्ने की खेती जगह अच्छ हो बड़ा मोरिंडे तो मेरे साथी कई आए हुए इतने शुगर मिल में पहले उस एम एल ए रहा मंत्री रहा हाँ गन्ने फसल बहुत ही लाहेवंद फसल है बड़ा घट खर्चा होंगे पानी घट लगता तो फिर गन्ने की अदायगी मिलिया नहीं कर दी किसान का तो सिस्टम इन्ना होंगे नहीं उन तो उही पैसे लाने ब्याह शादी पर लाने हैं डंगर खरीदना लवेरा खरीदना कोई घर वास्ते एक होर साधन करने इस करके सरकार नूं चाहिए कि चाहे घट फसलों के एम एस पी दे दे
पर इहदा जो प्रोसैसिंग प्लांट लिया के हर फील्ड दे विच उसनूं बनावे बाहरले मुल्कां दे विच। ये भी हुंदा है, मैं देखिया है कि जो लगे अमरीका आस्ट्रेलिया कि साड़ी कणक बहुत ज़्यादा हो गई है सानूं लोड़ नहीं है, तो वह की करते हैं किसानों नूं कहने भाई तुसीं ना कणक ना बीजो ऐत के, तुहानूं असीं मुआवजा की लिया दोंगे 20,000-30,000 स्कीम है, पॉलिसी है, सरकार भी खुश होंदा, चलो ठीक है, किसान भी। तो अज सानू बजाए गल्लां बातां करन दे ठोस तरीका लभना चाहिए। वड्डे वड्डे इंडस्ट्रियल ग्रुप लैके आइए, जे सरकार वास्ते कोई लाहेवंद हो किसान वास्ते खास तौर से, ताकि फूड प्रोसैसिंग प्लांट लग के असी उन्होंने रेट चंगा दवा सकिए। मुआवजे दी भी किसानों ने मांग रखी है कि साडे खाते च कोई पैसा नहीं आया, कि सरकार वालों दावे करे जा रहे हैं। देखो इहदे च है कि जो मैं बेनती की दस के हटिया कि पहला इस बारी बहुत नुकसान सरकार फसलों का हो गया, कणक गिर गई, झाड़ घट गया। मैं सारी मंडियां गया, खेतों गया, किसान मायूस चेहरा से मुरझाया हुआ सी, और केंद्र सरकार ने बाह नहीं फड़ी, समा कट लाता FCI से कि आ दाना काला होगा तो इन्ना कट होगा, इन्ना कट हार के मान साहब ने आप पार्टी सरकार ने बाह फड़ी तो कहा जो घाटा वो भाई असं देवे। हूँ ये भी गल कही कि मुआवजा असं जल्दी देवे, पर अज तक मिलया नहीं है। आज बहुत वड्डे गिनती किसान भी आए हुए थे सारे इलाके, उन्होंने कहा भी मुआवजा सानू मिलया नहीं है, ना सानू कोई तलाह जी आई है। मैं बेनती करांगा TC मोहाली नू, मुख कत्र साहब नू, मान साहब नू, कि कृपा करके इनू गेयर अप करो। जिहड़ियां एजेंसियां पटवारी तहसीलदार लगे हुए हैं इन्हां दी गदौरी करन वास्ते, उन्हां नाल पूरा छानबीन करके दे जल्दी करो। फायदा की है, देता नुकसान हो जाता किसानों का, इतवार उठ जाता। इन्हों एक होर भी मैं गल कही है कि जो सानू फ्री कल्चर शुरू हो गया हिंदुस्तान दे विच, ये कुछ चंगी गल नहीं है। आ भी फ्री सरकार चलू किवें, पर साड़ी दौड़ लग गई है, पार्टी कोई भी होवे रेस लग गई, कहड़ा फ्री ज़्यादा दूगा। ये तो असी जोड़ा च ना एक किस्म का गठिया, एक किस्म का जोड़ हुंदा नहीं है कि बंदा बैठ जाता है। ये सानू चाहिए इंप्लॉयमेंट दे असी साधन बढ़ाइए, फैक्ट्रियां लियाइए, बड़ी इंडस्ट्री लैके आइए, सरकारी नौकरियां दे सकीए, अच्छी गल है, ताकि समर्था बनाइए नौजवानों। साढ़े नौजवान बहुत बाहर जा रहे, पंजाब खाली हो चलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या, दुबई क्या, अपना कुवैत क्या, कनेडा, अमरीका, देश क्यों बाहर पॉपुलेशन है नहीं, उन्हें छोड़ देती है क्या साढ़े मुड़े कुड़ियाँ जाने काबल, अच्छे सैट भी होने, पर कई वापस भी आ जाने जिन्हों जाके थोड़ा एजेंट धोखाधड़ी करता भेज दिता, अगे कुछ बनता नहीं है। इस करके अज सानू बहुत भारी समस्या साढ़े मुल्क पॉपुलेशन की है, तो बेरोज़गारी की है। ये सब सरकार जब तक नहीं सोचेगी अगे वधेगी तो मैं समझदा कोई साडा हल होने वाला है नहीं। मैं पूरी आस है कि मान सरकार सब गल्लां देख के दिलों तय दिलों सानू भी बाह पड़ेगी, क्योंकि जिवें धरती पानी गल करते हैं मुकदा जा रहा है, और शायर ने भी कहा कुख च ती धरती पानी खत्म हो खत्म करानी, बहुत खतरे की घंटी बज चुकी है धरती के पानी की। साइंसदान बड़े घबराए हुए ने, चिंता च ने की बनूगा, दुनिया च ही हार है, मतलब कुदरती क्रोपी चल रही है, साधन होर घट गए हैं सारे, रेते बरी का भी हर गल चली है, वह पूरा साधन नहीं दे सकी सरकार, वो सानू कुछ सोच के करना पेगा ताकि उन्होंने अमली जमा पहना सके। पर जो खेतीबाड़ी अफसर गुरबचन सिंह इतने के प्रमोशन होकर अगर जिले में चले गए हैं, उन्होंने तो बाद नवी नियुक्तियां जो इतने ना होने कारण किसानों की खज्जल खुआरी हो रही है। मैंने अज ही नोटिस लिया है मेरे अफसरों ने, मैं धालीवाल साहब ने गल करांगा। एक तो यह होंगे कि पंजाब की घाट है बहुत सारिया पोस्टा की, माल महकमे की, पब्लिक हैल्थ की, बिजली बोर्ड की, इन्हों की घाट है तो पॉलिसी मैटर है। पर जे इतने किसी अणगहलीकरण अफसर नहीं लगे बल्दी हो सके, मैं करावगा, जल्दी करावगा, मेरा फर्ज बनता।